हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करती है बल्कि आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल कर आपको हेयर में एक अच्छा खासा शाइन ऐड करती है, आपके हेयर में एक अच्छा खासा वॉल्यूम ऐड करती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ऐसी अच्छी अच्छी और भी वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है एग। एग के जो है हमारे हेयर पे बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये रिड्यूस करता है हेयर लॉस को, ड्राइनेस को एंड ब्रेकेज को, और अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी कंट्रोल करता है और आपके हेयर की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है और रिपेयर करता है डैमेज हेयर को। और एग जो है नेचुरल कंडीशनर की तरह भी काम करता है और एक अच्छा खासा शाइन ऐड करता है आपके हेयर में। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो आप दो अंडे भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम लेंथ के हिसाब से एक एग को लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं दो बड़े चम्मच जो है कर्ड ऐड करूँगी, और कर्ड जो है आपके हेयर को हेल्दी बनाता है। मैं हमेशा से कहती हूँ आपके हेयर छोटे हो या लंबे हो, वो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। सिल्की बनाता है, स्मूथ बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये एक नेचुरल कंडीशनर की तरह भी काम करता है, सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। उसके बाद ये दोनों चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कोई भी लम्स वगैरह ना रहे, अच्छी तरीके से ये दोनों को मिक्स करें। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ग्लिसरीन। बस हाफ चम्मच आपको यहाँ पे ग्लिसरीन लेना है, और ग्लिसरीन को हमने इसलिए ऐड किया है कि अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी है तो ये फ्रिजीनेस को ख़त्म करता है और आपको जो है शाइनी हेयर देता है, स्मूथ हेयर देता है। अगर आपके स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं, दो मुँहे बाल हो गए हैं या बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है, तो ये रेमेडी परफेक्ट है आपके हेयर के लिए। आपके हेयर में अच्छा खासा शाइन ऐड करती है, आपके हेयर को वॉल्यूम देती है और नेचुरल तरीके से स्ट्रेट करती है, नेचुरल तरीके से कंडीशनर करती है। फ्रेंड्स, इसको अप्लाई करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। वीक में इसका इस्तेमाल आपको दो बार करना है। 45 मिनट के लिए अपने हेयर पे अच्छी तरीके से इसको अप्लाई करना है और नॉर्मल हर्बल शैम्पू की मदद से जो है अपने हेयर को वॉश करना है। उसके बाद जो है आपको कंडीशनर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नेचुरल कंडीशनर की तरह आपके हेयर पर काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको एग के स्मेल सूट नहीं करती है या पसंद नहीं है तो आप इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 2 से 3 ड्रॉप आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। होप फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोस।